Hi, my name is Manisha Saxena and you're watching me on True Story. Also, do not forget to watch Mil Ke Bhi Hum Na Mile Monday to Saturday only on Dangal channel, theek shaam 6 baje. नजर आ रहा है जैसे काफी गुस्से में हैं आप और धक्का मुक्की भी हो रही है, जाना चाहते हैं इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सो बड़ा ही अच्छा ट्विस्ट आया है शो में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और मेरे लिए भी नया था क्योंकि मैं ये सोच नहीं रही थी कि ये टर्न ले लेंगे हम लोग. तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आ रहा है श्रुति को, क्योंकि श्रुति बहुत पजेसिव है राज को लेकर और बहुत प्यार करती है और जिससे भी वो प्यार करती है उनके लिए वो बहुत पजेसिव है. सो कुछ ऐसा हुआ है जिसने श्रुति को बहुत हर्ट किया है और फिर वो उसका तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का. कहीं ना कहीं प्यार भी एक तरफ है और थोड़ी सी नफरत भी हमें नज़र आ रही है. नफरत भी नज़र आ रही है क्योंकि क्या होता है कि हम जब किसी अपने बहुत ही क्लोज वन से हर्ट होते हैं, जब हमें लगता है कि यार ये तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा और वो बंदा ऐसा कर देता है, तो हमें हर्ट भी होता है, हमें नफरत भी होती है कि हाउ कैन यू डू दिस, यू नो. एंड आई थिंक ये देखने के लिए आपको तो शो ही देखना पड़ेगा. कहते हैं कि हर खूबसूरती के पीछे कुछ राज होता है, तो आप इतनी खूबसूरत ऑलरेडी है लेकिन रोने के सीन करने के बाद आप ये बोल रही है लेकिन शेड आपको काफी डिफरेंट दिया गया है. हाँ, शेड तो मुझे बहुत मजा आती है ऐसे शेड्स करने में. आई मीन आई अंडरस्टैंड कि एक ही शेड जो मेन है हमारी रेवा जो कर रही है, कि मतलब उनके भी बहुत सारे वेरिएशंस है, मतलब उसको मेरे सामने हंसना है पर बाहर जाके रोना है क्योंकि वो हर्ट है, वो दिखा नहीं पा रही है. सो उसके भी बहुत सारे शेड्स है, लेकिन मुझे बहुत मन था एक ऐसा कैरेक्टर करने का जहाँ पे मैं पहले पॉजिटिव और फिर बाद में हेलो वॉच मी टाइप्स. सो ये शेड्स जब रहेंगे तो एज एन एक्टर और मजा आएगा ना, क्योंकि आपको बहुत सारी लेयरिंग्स मिलेंगी कि आप क्या क्या एज एन एक्टर खेल सकते हैं. तो आई एम अमेजिंग. कहते हैं रियल में हमें तो वो चीज़ सारी चीजें करने मिलती नहीं है, तो शो में करने मिल रहा है तो कितना मजा आ रहा है आपको रियल में. हाँ, देट इज ट्रू. ऐसा कोई रियल में तो रिएक्ट करता नहीं है, पता नहीं होते भी होंगे लोग जो ऐसे करते हैं, तो इसी वजह से शो में भी है मजा आ रहा है यार. मतलब मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है, बस थोड़ी आंखें थक जाती है रो रो के, बट इट्स अमेजिंग. आई मीन एक आप सोचते हो उस कैरेक्टर के बारे में कि हम इसको किस तरीके से करें, उसके क्या फीलिंग्स रही होंगी और उसको पोर्ट्रे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो सोच जो चल रही है एज एन एक्टर डेवलप हो रही है, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि आप खेल रहे हैं. एंड शो काफी अच्छा जा रहा है, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, तो क्या कुछ खुशी है आपको? बहुत खुशी है और मैं तो चाहती हूँ कि लोग ऐसे ही इसको प्यार करें, बहुत सारा प्यार करें. और आई होप कि आपको ये जो ट्रैक आ रहा है, अपकमिंग ट्रैक श्रुति रेवा और राज का और बाकी सबका भी, जो फैमिली मेंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, काफी बदलेगा. कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन किसके अगेंस्ट जाएगा, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं. सो आई नो कि ये बहुत अमेजिंग ट्रैक आने वाला है. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू नॉट मिस इट एंड वॉच इट. बिल्कुल देखिएगा आप लोग. कभी किसी मतलब ऑडियंस ने कमेंट किया है, कहते हैं ना कभी कभी कुछ बुरे भी कमेंट्स आते हैं, कि कहते चलो नेगेटिव कमेंट्स भी कभी मिले हैं कैरेक्टर को लेके, अरे इतना परेशान कर रहे हो, वैसा कुछ? अभी तक तो श्रुति को नहीं मिले हैं क्योंकि अभी तक श्रुति चुलबुली थी, तो सबको श्रुति बहुत पसंद थी, हैशटैग बोलती है, तो मेरे को ऐसे हैशटैग करके ही कमेंट्स आते हैं कि हैशटैग क्यूट, हैशटैग दिस दैट, तो मतलब उन लोग को मजा ही आ रहा था. अब शायद हो सकता है कि थोड़े हेट कमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि दे विल, आई डोंट नो, आई मीन डिपेंड्स कि वो एज एन एक्टर मुझे लेते हैं या फिर मेरे साथ जुड़ जाते हैं. अगर जुड़ जाएंगे और नफरत देंगे तो मुझे शायद ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ. वो भी आपके कॉम्प्लीमेंट हो गए. Exactly, कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ. वाओ. ओके, लास्टली ऑडियंस और फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहूंगी? ऑडियंस और फैंस को यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे कि आप दिख रहे हैं, और जो कि मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि आपकी फैन एडिट्स मुझे रेवा को राज को बहुत पसंद आते हैं, हम सब रीपोस्ट भी करते हैं ऑलमोस्ट, और अगर हम नहीं कर पाते तो आई एम सॉरी ऑलरेडी बिकॉज बहुत सारे होते हैं, पर वो हमारा दिल बना देते हैं, मतलब दिन भी बना देते हैं और दिल भी ले जाते हैं, एकदम बहुत प्यारे होते हैं. थैंक यू सो मच, मतलब मैं आपको थैंक्स जितना बोलूँ उतना कम है. सो थैंक यू सो मच.